जी आ गई है शगुन और हम बात कर रहे हैं बाल बढ़ गए शगुन के, क्या लगा लिया इतनी जल्दी ऐसे बढ़ गए? हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। फोन बज गया। आज कब लोग हमने शुरू किया है, दोपहर हो गई है, एक सवा बज रहा है, इतना टाइम हो रहा है और इतना लेट आज हमने ब्लॉग क्यों शुरू किया। सारा काम ख़त्म हो गया है, मैं नहा ली हूँ और जो है अब मैं रेडी होंगी क्योंकि काम सारा ख़त्म हो गया है। और क्या, आज डिफरेंट सा ब्लॉग रहने वाला है जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। सुबह से काम में लगे हुए थे आज, सुबह से बहुत ज़्यादा जो सुबह से लगे हुए थे काम में, हाथ दुख रहा है थोड़ा सा, मैंने काम निपटा लेते हैं। शॉप पे मैंने गई थी, अंश आ गया है शॉप से और अब हम जा रहे हैं आज घर। तो घर जाने की वजह से आज मैं नहीं गई और अब शॉप बंद रहेगी आज भी और कल भी। कल शाम तक हम आएंगे और आज हम निकलेंगे। अब ये आ जाएंगे ऑफिस से थोड़ी देर में, आएंगे तो थोड़ा सा अभी रुक के ही, तो पंखा चला ले बेटा, गर्मी लग रही। तो आज का कॉल आ गया उधर, किससे बात कर रहा हा? तो बस अब हम रेडी होंगे और जो है फिर हम निकलेंगे। इनका वेट रहेगा, मैं तब तक थोड़ा सा तैयारी कर लेती हूँ। ज़्यादा कुछ तो है नहीं, एक दिन के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी तो करनी नहीं है, पर फिर भी एक एक जोड़ी कपड़े रखते हैं फटाफट से और अपना तैयार होते हैं, बस यही है। और फिर जैसा जैसा होगा आपके साथ शेयर करेंगे। सुबह से आज काम नहीं, कुछ भी रिकॉर्ड किया था, काम में लगे हुए थे, मैंने चलिए जो है आज बाद में ही हम ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज सबसे मिलना होगा, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको तो पता ही है शगुन तो हमारे साथ जाएगी ही जाएगी, हॉस्टल से शगुन को लेंगे और उसका तो कॉल भी आ गया क्योंकि उसको जल्दी लगी हुई है जाने की। पर जाना तो हमें भी था जल्दी, मतलब करीब 2 बजे तक हम निकल जाते, पर अब नहीं निकल पाएंगे क्योंकि इनके मतलब बाहर से कुछ मीटिंग के लिए आए हुए हैं तो इनको लेट होगा, ये थोड़ा लेट आएंगे। ये थोड़ा सा लेट ही हो रहे हैं तो बस मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ तैयारी कर देती हूँ। आलू बॉयल कर दिए थे सुबह तो उनको छील के, और मैंने छील के रख दिए थे मतलब, तो मैंने इनको कर दिया है ग्रेट। श्रेय बोल रहा है कि मम्मी मेरे से नान में मसाले वगैरह मिक्स नहीं होते, तो ब्रेड मंगवा ली हैं तो वो कर लेगा, सुबह सैंडविच बना लेगा मतलब ब्रेकफास्ट में, और शाम को वो दाल चावल भी बना लेता है, खिचड़ी भी बना लेता है, तो जो भी बनाएंगे वो बना लेंगे। लेकिन सुबह की मैं ये तैयारी कर देती हूँ, उसमें कुछ मसाले वगैरह डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर देती हूँ। मसाले में उसको प्रॉब्लम आती है मिक्स करने में, पर इतना कर लेता है वो भी काफ़ी है। और प्याज उसका मन है, अगर प्याज डालेगा सुबह तो वो डाल लेगा, मिक्स कर लेगा एक बार, नहीं तो कोई बात नहीं है। प्याज मैं अभी नहीं डालूँगी क्योंकि प्याज में ना स्मेल हो जाती है, तो प्याज तो साथ साथ ही डलती है। तो बस सारे मसाले डाल के, और यहाँ पे नमक के जार में मुझे नमक नहीं मिला तो मैं वो नमक डाल दूँगी और फिर फटाफट से मुझे सूटी डालना है, तो ऐसा ज़्यादा कुछ रेडी नहीं होना है, तो फिर मैं भी तैयार हो जाऊँगी। ये काम मेरा है, इसको मैं कर देती हूँ, उसके बाद जो है फिर तैयारी करते हैं फटाफट से। तैयारी तो हो ही गई है, कुछ ज़्यादा ऐसी ये नहीं है कि हम काफ़ी टाइम के लिए जा रहे हैं, एक एक जोड़ी कपड़े रखने हैं सबके और फटाफट से जो है सूट डालना है और बस। आ गए हैं ये भी और रेडी हो गए हैं, और मैं भी रेडी हो गई हूँ चलने के लिए, और अंश भी रेडी हो गया, तो हम तीनों जा रहे हैं और टाइम लगभग 4 बजने वाले हैं। टाइम इतना हो गया है, लेट ही आए हैं ये,
तो बाहर जा चुके हैं। मैंने चलिए जो है एक बार आपको बोल दूँ, क्योंकि व्लॉग शुरू किया था उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा मैं काम में लगी, थोड़ी सी प्रेस करने लगी थी, मैंने टाइम है तो ये कर लेती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। चलिए, श्रेय नहीं आया क्योंकि एक तो उसकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा चल रही है, वो अपना जो है पढ़ेगा, और एक का मैं हूँ या फिर श्रेय हो, एक घर पे ज़रूर रहता है क्योंकि खाने वाने का मैं देखती हूँ या फिर थोड़ा बहुत श्रेय देख लेता है। तो श्रेय के दादाजी और जो है बुआ जी हैं और श्रेय, तो एक का तो रहना ज़रूरी ही होता है। कहीं सब जाएंगे तो देखते हैं कैसे होगा क्या होगा, लेकिन अभी तो जो है चल जाता है काम ऐसे ही। तो बस हम तीनों निकल गए हैं और अभी चलेंगे आगे, मिलेगा शगुन का कॉलेज कोर यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से शगुन को लेंगे और बस फिर जो है सीधा निकल जाएंगे। मैं कितनी गोरी हो रही हूँ? गोरी हो रही तू? आज सभी गोरे हो रहे, मैं भी गोरी हो रही हूँ, गाड़ी में हो रही, इतने गोरे बस गोरे गारे बता रही बाल कैसे बड़े सी गए, शगुन के बाल बढ़ गए, देखो कैसे बढ़ाई थी जल्दी। वो किसी किसी में ना यहाँ पे ब्लैक आवे किसी फोन में। अच्छा हाँ चल रही, वो तू बारे हाँ वो दिख नहीं रहा ना साना, मुझे भी दिख रहा टाइम। हेलो जी, आ गई है शगुन और हम बात कर रहे हैं बाल बढ़ गए शगुन के, क्या लगा लिया इतनी जल्दी, कैसे बढ़ गए? साल हो गए गाइस मैंने कटवाए नहीं। तो बस अब जो है फटाफट से चलते हैं, ज़्यादा टाइम तो लगता ही नहीं अब जाने में, हाईवे बन गया तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अब जल्दी जल्दी हम चलते हैं। और शगुन कर रही थी वेट सुबह से नहीं मतलब 2 बजे को, 2:30 बजे बोला था मैंने इसको, 2 से 2:30 तो लीव में 12 लीव जल्दी। चलो बाद में जा सकते हैं, पहले नहीं है ना, बाद में तो कोई बात नहीं होती। अब हमें तो कल ही आना है, कल शाम को, शगुन का अभी पता नहीं ये कल आएगी या रुकेगी, इसका अभी हमें नहीं पता। हाँ वही रुकने का मन तो है क्योंकि इसके चाचा चाची आ रहे हैं, रुकने का तो देखो सबका होता है, मेरा भी अपने घर रुकने का होता है, पर रुक तो नहीं सकते, मजबूरी होती है मजबूरी, हमें तो कल ही आना जरूरी। और आज भी देखो चलते चलते ना लेट हो गए, कल आते हुए बुआ जी को भी देख के आना एक बार, कल बुआ जी को भी देख के आएंगे क्योंकि जब उधर जा ही रहे हैं पास में ही है, तो फिर हम मिल के ही आते हैं। और अब परुल भी आई है, मेरी बुआ की बेटी भी वहीं पे है, बुआ जी के पास ही आ गई है घर पे, तो फिर जो है कल हम उधर भी होकर आएंगे, आते आते हो जाती है रात ही, पर ये है कि हाँ आ जाते हैं। ये बाल मेरे ना ये अब तक बड़े नहीं हुए और मुझे बिल्कुल ढंग के नहीं लगते, ये सारे बड़े हो जाने, मुझे तो बंदे भी अच्छे लगे, ये निकल जा अगर मैं ढीले से बात करूँ। लो जी अभी डिसाइड हो गया, प्रैक्टिकल का अभी फिक्स नहीं हुआ था, कल रात को ही आएगी, इसको भी कल रात को ही छोड़ देंगे हॉस्टल, प्रैक्टिकल है कोई नहीं, कल भी आना परसों भी आना, पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है। होता ये देखो मिलने का ये होता है, मेरा ऐसा है शादी के बाद मैं ज़्यादा रुकी नहीं कभी भी, पर ये है मेरा मानना तो ये है, देखो एक दिन में भी ऐसा ही मिला जाता है, 2 दिन में भी, ये है देखो रहने का तो अलग है कि एक हफ्ता हम रुक जाओ 10 दिन रुक जाओ, मन तो कभी बढ़ता नहीं है अपने घर से किसी का भी, पर मिलना है तो मिलना हो गया, अब काम तो कोई नहीं रुक सकता ना, तो आराम से आना फिर नेक्स्ट क्या करेंगी, चाची तो घर चल जाएगी, फिर कोई बात अपने घर जाओगे और कितने दिन के लिए आए हैं, हाँ तो बस फटाफट से दिन चले जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं फल फ्रूट और अंश, और ये दोनों ही गए हैं लेने के लिए, तो ये लेके उसके बाद फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही थोड़ा सा लगेगा, और हम करीब जो है 6 बजने में भी कुछ मिनट थे ही, तब तक हम घर भी शायद पहुँच गए थे, या फिर 6 बजे तक आप लगा लीजिए, 2 घंटे हमें जो है लगे हैं
इस टाइम पे हम निकले ना तो भीड़ भाड़ नहीं मिली, तो बहुत ही जल्दी, अगर जाम वगैरह मिल जाता है तो 2.5 घंटे भी लग जाते हैं। और पहले तो जब तक रोड नहीं बने थे ना, 2.5 घंटे तो बिल्कुल भी नहीं, 3 घंटे, 3.5 घंटे, इस तरीके से 4 घंटे तक भी चला जाता था कई बारी। तो यहाँ पर अब जो है मेरा मायका वाला गाँव आ गया है, मतलब हमारा गाँव आ गया है, और बस अब थोड़ी दूर पर हमारा घर है, क्योंकि जो मेरा घर है वो बिल्कुल बाहर की साइड है, अंदर गांव की साइड नहीं है। और ये देखिए, आपने शौर्य देख ही लिया, यहाँ पे वो खड़ा था अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, तो उसने गेट खोल दिया, हालांकि खुला हुआ था हमारे वेट में, आज नहीं खोलना पड़ा। और ये तो आपने बहुत बार देख ही लिया है, ये आ गया है हमारा घर, और सामने ही बैठी मिलेगी मेरी दादी माँ, जो कि हमेशा मिलती है, और भगवान करे मिलती ही रहे ऐसे ही। तो आज कमी है, ये आपको भी पता है आज क्या कमी है, आज सामने पापा दिखाई नहीं देंगे। और यहाँ पे वॉइस ओवर करते टाइम भी जो है मुझे, मतलब समझ सकते हैं आप, तो अपने माँ बाप कभी भी, मतलब वो नहीं होता कि चले गए चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी एज में चले जाएं, पर चलिए खैर ये बात नहीं छोड़ते। आज खुशी का पल है, बच्चे आए हुए हैं, और ये देखिए दोनों बहनें, सबसे पहले अदबी को देखिए, शगुन से बहुत बड़ी हो गई है, और मुझे भी उसने बड़े अच्छे से नमस्ते किया हिंदी में ही, वैसे तो वो इंग्लिश ही बोलती है। और देखो मेरे से भी जो है हाइट में निकल गई, ज़्यादा हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए, नीचे बस वही होता है मेरा पहले माँ के पास बैठना, सारा कुछ छोड़ के पहले वो ज़रूरी है। और अब चाय पानी का टाइम है, तो दीपिका ने यहाँ पे बना दी है चाय, अब हम चाय इंजॉय कर रहे हैं, मम्मी बैठी हुई है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि मम्मी को थोड़ा सा रेस्ट मिल रहा है, और मम्मी खुश भी बहुत है। देखो बच्चे आए हैं अपने, बहू बेटा बच्चे, तो एक अलग ही रौनक घर में लगी हुई है। हाँ जो कमी है इस बार वो तो है ही पापा की, लेकिन बच्चों से बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई है। ये देखिए ईवी को देखिए, इसको पानी में इतना शौक़ है खेलने का कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था आने का बिल्कुल भी, वहाँ से जाने के बाद इतने मतलब खेल करती है हर टाइम, खेलना कूदना ये बैठती नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो पानी गिरा गिरा के कहीं पे, चाहे गिलास में भी पानी रखा ना उसको भी ऐसे गिरा देगी, और फिर उस पर ऐसे करने लगेगी, मतलब इसको हर टाइम हर जगह स्विमिंग पूल दिखता है, कोई भी टैब हो उसमें पानी हो तो इसने बस बहुत ही बुरी हालत मचा रखी है। एक ना इसके पीछे ही रहता है, देखो अब शगुन इसके पीछे पीछे है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये आ गया है डॉगी, जो कि कुछ टाइम से मैंने पहले व्लॉग में बताया था आपको, मतलब जब मैं पहली बार आई थी, कि ये कहीं से आ गया है और ये घर में ही रहने लगा, जाता नहीं है। तो अब तो इसको नहला धुला के खैर ठीक कर दिया है, तो इसको भी खिलाना मतलब करते हैं। और यहाँ पे आ गया है ईवी का ताऊ, मतलब मेरा बड़ा भाई आ गया है, तो वो उसको खिला रहा है। ये है मेरा बड़ा भाई, व्लॉग में मैं कम ही दिखा पाती हूँ क्योंकि ज़्यादातर खेत में नीचे, और अभी भी इस टाइम ये घर पे था, नहीं तो खेत में ज़्यादा टाइम आजकल चल रहा है काम का। तो ये देखिए तीनों बहनें, और यहाँ पे बस मैं मम्मी से बातें कर रही हूँ बैठ के, यही चल रहा है हमारा मायके में जाके, और क्या होता है यही बातें करना बैठना, तो बस वही सब चल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम। Are you a serious person? No, it's fine. I was already. No? Yeah, what type of person you are? It's a slave. It's a slave. Yes. Or guys. यहाँ पे शगुन के लिए गिफ्ट आया है जो कि है लैपटॉप, तो उसको अनबॉक्स कर रही है वो, इंडिया से ही लिया है लेकिन उसके चाचा चाची ने लिया है ये, लेके इसको हम गए हैं हरिद्वार से, ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था तो, लेकिन ख़रीदा उन्होंने ही है, तो ये अपना गिफ्ट देख रही है। हालांकि अभी गिफ्ट्स और भी हैं, वो फिर शाम को देखेंगे, लेकिन बच्ची है ना तो रहा नहीं गया, तो क्योंकि जो गिफ्ट्स हैं वो उन्होंने रखे हुए हैं, और ये हम लेके गए थे तो बस ये साथ साथ जो है एक बार देख लिया, लेकिन फिर से जो है पैक ही कर देगी उसको, कि रात को ही एक बार सबके सामने फिर से देखूंगी। तो उसका सैमसंग का लैपटॉप आया है, अब ज़रूरत पड़ती ही है, देखो अभी उसको ज़रूरी काम आ गया था तो अंश दे के आया था अपना लैपटॉप, तो ले भी रहा था विकास, मैंने मना कर दिया था कि अभी काम हो जाएगा और जब आने ही वाले हो तो तभी ले देना। तो बस यहाँ पे कुछ ऐसे हम एंजॉय कर रहे हैं, एक एक पल एक एक मोमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, और आज कुछ अलग ही फील आ रही है, घर में भाई भाभी बच्चे, मतलब
आप समझ सकते हैं कैसा लग रहा होगा। छलनी में से तो ना पूछे नहीं जाओ। थोड़ा सा दे दो ना। हैं? नहीं इतने ही खावेंगे वो, इससे ज्यादा नहीं खाने को। अरे पूरे घर का फिटिंग हुआ, यहाँ का फिटिंग शोर ही है। पिया चला रहा देखिए। हाँ। हैं? तो वो बाद में ले लेगा ये। ला दो खाली। पता ऐसे भागे बाहर गेट खुल तो ही खुल रखता रहा। अरे बाबू खाना खाने बैठ गए और ईवी वो आदमी अपने स्टाइल में फैंस बॉयज सुनते हैं। बच्चों को खिला दिया है और खाने में आज क्या बना है, दाल मखनी है और आलू शिमला मिर्च की सब्जी है, रायता है, चावल हैं, सैलड रोटी मतलब फुलका। और आज मैं बोल रही थी कि बाद में खा लूँगी, बच्चों ने खा लिया तो बड़े अब खा रहे हैं। पर भाई आज तो भाभी ने खाना बनाया है कि नहीं दीदी आप भी खा लो। मैंने चलो मैं भी खा लेती हूँ। बड़ा भाई नीचे कुछ काम कर रहा है अभी डंगरों का, तो वो बाद में खाएगा। तो बस हम तीनों भी बैठ गए हैं और शगुन को बोला था वो अभी नहीं खा रही है क्योंकि वो अपनी चाची के साथ खाएगी। तो बस यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं और उसके बाद सब बैठेंगे, बातें करेंगे ढेर सारी। काफ़ी सारी जो है बातें हो जाती हैं, आज तो पता ही नहीं कि कब कितना टाइम हो जाएगा। ये देखिए अब आ गए हैं गिफ्ट्स यहाँ पे फिर से। दो बॉक्स आपको ऊपर से दिख रहे होंगे, तो ये इंग्लैंड से ही लेकर आए हैं विकास और दीपिका। ये लैपटॉप है जो कि पहले अभी देख चुकी है शगुन, लेकिन फिर से आया है क्योंकि अभी विकास ने नहीं देखा। तो बस यहाँ पे अब बड़ा भाई भी आ गया है, पूरी फैमिली यहाँ पे अब इकट्ठी हो गई है। उधर मम्मी दीपिका सब बैठे हुए हैं क्योंकि काम तो ऐसा ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता। खाने के बाद हेल्पर आएगी, बर्तन वो करेगी, सुबह ही हो पाएंगे। बहुत लेट हो गया था खाना खाने में। तो ये लैपटॉप है और दोनों बच्चों की आ रही है और शगुन के लिए आए हैं फ़ोन, दोनों के ही फ़ोन हैं। अब देखते हैं कौन सा फ़ोन किसको मिलता है। दो फ़ोन है और शगुन के लिए सब सरप्राइज़ गिफ्ट था, सरप्राइज़ ही था उसके लिए तो, क्योंकि उसको नहीं पता था लैपटॉप। हालांकि लैपटॉप का था कि आएगा, लेकिन फ़ोन वगैरह का नहीं था। तो बस यहाँ पे सब बहुत ही खुश हो रहे हैं। खुश तो देखो बहुत ही ज़्यादा है, पर जो कमी है ना वो मतलब मेरा तो मन ही भर के आ गया था इस टाइम पर। जैसे ही बच्चों को गिफ्ट्स मिले दोनों को ही, शगुन और आर्य को, आप देख सकते हैं खुशी सभी की। पर मेरा मन इतना मतलब भर के आया कि आप बस सोच ही नहीं सकते। मुझे एक खुशी कहूँ क्या कि क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आया क्यों ऐसा हुआ। मुझे एकदम पापा की याद तो आई ही है, खैर पापा होते तो कितना खुश होते इस टाइम अपने पोतों के लिए। ये सब देख के पोते पोती के लिए उनके बच्चे लेके आए हैं तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, तो वो तो याद आई ही है खैर। पर पिछला कुछ टाइम मेरे मायके में ऐसा गया है कि जिसको हम सोचना भी नहीं चाहते। सब कुछ यहाँ पे हम शेयर नहीं कर पाते हैं, जो हुआ है, जो मतलब हमने सहा है, देखा है। तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा टाइम फिर कभी ना आए। तो मतलब मैं उठ के यहाँ से चली गई, अभी तक मैं बैठी हुई थी लेकिन फिर मुझे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं दूसरे कमरे में गई और मैं इतना रोई कि पूछो ही मत। फिर शोरे मेरे पास गया कि बुआ जी रो रही है, फिर सबको बताया, सब गए। मतलब पता ही नहीं मुझे क्या हुआ था उस टाइम पे। ये देखिए अभी भी मुझसे वॉइस ओवर नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों इस पल में मुझे ऐसा लगा। वही कहते हैं ना कि खुशी के टाइम पे भी अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं हमें और उनमें हम इमोशनल हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, ऐसा ही अभी मैं इस क्लिप को भी आपके साथ देख रही हूँ वॉइस ओवर में, तो अभी भी मतलब वही हो रहा है।
तो जी आज के ब्लॉग में इतना ही। पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे मायके की खुशियाँ हमेशा ऐसे ही बनी रहें, ऐसा ही सब कुछ चलता रहे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, कल मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।